नमस्ते बच्चों, देखिए हम मैथ में पढ़ रहे थे भिन्न फ्रैक्शन, एक क्लास हमारी हो गई है इसमें, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें। तो देखिए एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ लिया अपन ने इसमें। तो हमारे चैप्टर का नाम है साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है आप जानते हैं, अंश बटे हर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब कि एक्स अपॉन वाई के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि ये हमेशा लघुत्तम रूप होता है। क्या होता है? हमेशा लघुत्तम रूप, लोएस्ट टर्म होती है फ्रैक्शन, हमेशा लोएस्ट टर्म होता है। लोएस्ट टर्म का मतलब ये दो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एन अपॉन डी जो हमें मिलता है, ये ऐसा नंबर मिलते हैं दोनों हमको जो आपस में डिवाइड नहीं होंगे। अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या बताया था कि ये जो लिखा है, ये लिखा तो फ्रैक्शन है लेकिन ये सही फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड होकर सबसे लोएस्ट टर्म बन गई, तो इसे हम सही फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरा मैंने बताया था कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स मतलब जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। लेकिन मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इनमें से क्या ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ये फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसी का नाम लगा था कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। देखिए सभी भिन्न प्लस वाली है क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। ये एग्जांपल लिखे थे अपन ने कि इसमें कौन कौन सा होगा, तो इनमें से देखिए जो पॉजिटिव है वही केवल फ्रैक्शन है, बाकी नेगेटिव जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, बाकी सारी की सारी परिमेय संख्या तो है, ठीक है। फ्रैक्शन तीन प्रकार के बताए थे मैंने, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न, ठीक है ना। इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, ये भी तीन प्रकार के बताए थे मैंने, इन दोनों को हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। साधारण भी दो प्रकार का होता है, एक बोला था उचित भिन्न और एक बोला था अनुचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अनुचित भिन्न से ही आगे जो बनता है वो क्या बनता है, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये दो नाम होते हैं, कई कई किताब में तीन नाम होते हैं, बाकी मिश्रित भिन्न बनता अनुचित भिन्न से ही है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों में अंतर क्या होता है। देखो फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखते ही लिखते हैं, लेकिन मैंने बताया था यहाँ अंश मतलब एन हमेशा छोटा होता है कैसे टी, या आप ये मान लीजिए हर हमेशा बड़ा होगा किससे, अंश से, ठीक है ना। देखिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैसी है, ऊपर वाली जो वैल्यू लिख रही है 2, 3, 1 वो हमेशा 5, 8, 5 जो लिखा है, नीचे वाली संख्याएं हमेशा बड़ी मिलेंगी, ऊपर वाली हमेशा छोटी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो कौन सा होगा, उचित भिन्न, ठीक है ना, कैसा होगा, उचित भिन्न। आप ऐसे उचित मान लो, एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, अपना अगर इसका वजन मान लीजिए 30 किलो है, कितना वजन है इसका 30 किलो, अगर इसके ऊपर 20 किलो का व्यक्ति कोई बैठा देंगे अपन तो ये उचित है, ठीक है ना, क्योंकि 30 वाला 20 को झेल लेगा, तो ये तो काम उचित है। लेकिन भाई अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 30 किलो का व्यक्ति है, ये इसके ऊपर अगर हम 50 किलो का व्यक्ति बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुचित हो जाएगा, झेल नहीं पाएगा। तो बस इसी का ध्यान रखना, नीचे का वजन ज्यादा है ऊपर का वजन कम है तो ये उचित है, नीचे का अगर कम है ऊपर का ज्यादा है तो ये अनुचित है, ठीक है ना। इसी से आप सारे समझ जाएंगे, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इसी को अगर और आगे करके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रित भिन्न फ्रैक्शन रूपी वाला, मिक्स फ्रैक्शन। दूसरा देखिए 2/5 फ्रैक्शन का मतलब होता है, नीचे वाला भाग हमें ये बता रहा होता है अंश बटे हर, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो जो हर है डिनोमिनेटर वो हमें ये बता रहा था कि भाई ये पूरा भाग है, का है जी, ये पूरा है, इस पूरे में से ले कितना लिया है, 2 ले लिया, 5 भाग है, 5 भाग में से उपयोग कितने का हो गया, 2 भाग हो गया, ठीक है ना, 5 में से 2 भाग लिए गए, ठीक है ना, अंश बटे हर। ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, ये शून्य हो गया तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर कायम से बांटे हैं, ठीक है ना। जीरो में से कुछ बांट सकते हैं, कुछ नहीं बांट सकते, ये कभी जीरो नहीं होगा। देखिए
जैसे एक बटे तीन ये पूरा भाग है, इसमें से ये एक भाग लिया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाते एक एप्पल है, तीन लोगों में बांटना है तो तीन भाग कर दिए, तो तीन भाग में से एक से कुल मिला के सबका बट गया। ये समझाया था मैंने आपको, देखिए कि कुछ एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई लिखा हुआ है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तीन बटे चार ऐसा कि नीचे वाला पलट कर लिखा होता है तो बीच में इंटू हो जाता है। अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो तीन बटे चार ऐसा कैसा इसके बटे में कर लीजिए तो ये आ गया। अगर यहाँ लगाया है तो चार बटे पांच है, हमेशा नीचे वाला नंबर पलटेगा, बस इतना सा ध्यान रखना, हमेशा नीचे वाला नंबर पलटेगा। ये पलट रहा है, ये फॉर्मूले से पलट दिया था। ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, भिन्न को जोड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम दिया 15, 5 से डिवाइड किया 15 को 3, 3 से 15 5, इनका इंटू करके ये आ गया, ठीक है। सॉल्व किया तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया। डायरेक्ट करना हो तो 3 3 9, 5 2 9 10 और इनका इंटू 15, ये आंसर आ गया हमारा। ऐसे इसको बताया था, देख 3 बटे 4 डिवाइड लगाया तो डिवाइड का मतलब देखा इंटूमेंट और संख्या पलट कर दिया जाती है। डिवाइड के बाद अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है, डिवाइड के बाद कोई अगर भिन्न लिखा है तो हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड बदल जाएगा इंटू में और फ्रैक्शन पलट कर लिखा हो जाता है। डिवाइड बदल गया इंटू में और फ्रैक्शन पलट कर लिखा हो गया, सेम यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखिए यहाँ डिवाइड है या इंटू है, बॉड मास आप सबने पढ़ा है, ठीक है ना। बॉड मास पहले क्या होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें डिवाइड, तो डिवाइड बदल गया इंटू में, नंबर हो गया पलट कर लिखा हो इंटू, ऐसा कैसे, तो इसका आंसर ही आ गया। सेम इस तरीके से पहले डिवाइड होगा फिर प्लस करेंगे, डिवाइड बदल गया इंटू में, नंबर पलट कर लिखा होगा, सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे थे हमने 15 40 और ये वाले, तो मैंने आपसे बताया था गलती इसमें कहाँ हो सकती है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कुछ लोग इसमें 15 40 कॉमन लेके उन्हें जोड़ देते और आंसर लगा देते 15 42 आ गया। करना कैसे मैंने आपको बताया था, 15 40 चार बार आ रहा तो चार का इंटू होगा इसमें, ठीक है ना। बाकी का एक तरफ लिख लिया, सॉल्व किया तो 61 62 इसका आंसर आया था। इस क्वेश्चन को भी देखिए 11 38 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, तो 11 38 10, बाकी का सब एक तरफ रखती है, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 5, तो हो गया 11 385 आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे इसको किया था, यहाँ देखिए ये वाली चीजें सेम है पर ये नंबर बदल है, तो इनको एक तरफ लिख लिया, इनको एक तरफ लिख लिया, 12 34 इनको सॉल्व किया तो 2 एलसीएम था, ऊपर के तो फिर 4 ये आ गया। इसी का एक और तरीका बताया था, ऐसे ये 4 बार आया तो 4 का इंटू कर दिया था और डायरेक्ट ऐसे कर लिया, ठीक है ना। करने के तरीके जितने जाना हम करेंगे चीजें उतनी जल्दी आसान होती चली जाएंगी, हम प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता, मैथ केवल प्रैक्टिस ही मांगता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही किया हमने इसको और प्रैक्टिस करी तो ये हुआ, ठीक है ना। देखिए अब और कुछ एग्जांपल करते हैं हम, इसमें सारे क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पेपर में। वन इंटू प्लस 4 × 5 प्लस डैश 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 प्लस 99 × 100, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में ही है, ठीक है ना। चैप्टर आसान है, सवाल उतने ही कठिन बना लो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देख कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखने में बड़ा वैसे विचित्र सा सवाल लग रहा है, करेंगे कैसे इसे, देखिए देखिए हम इसे ऐसे लिखते हैं 1/1 − 1/2, देखिए केवल इसी का बता रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 − 1 क्या जाएगा यहाँ पे 1/2, सेम यही का ये बढ़ गया, ठीक है ना। पहले इस बार देख लीजिए अपन, पहले इसको सही मेथड से करते हैं, बाद में इसका दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। 1/1 − 1/2, फिर ये प्लस का साइन, इसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया, या 1/2 − 1/3, ठीक है ना। इसे भी सॉल्व करेंगे देखिए, या 2 × 3 एलसीएम आ जाएगा, या हो जाएगा 3 − 2, इसे करेंगे तो 1 × 2/3 आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसे भी क्या लिखेंगे 1/3 − 1/4, ठीक है।
प्लस डैश 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 प्लस इस वाले ब्रैकेट को भी क्या करेंगे, ये प्लस 1/99 माइनस 1/100 ये हमारा आ गया। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से ये ब्रैकेट हटा दें अपन, तो देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, देखिए जरा ध्यान से, ये चीज का क्या की माइनस लिख रही है, ठीक है ना, ये काय का लिख रहा है माइनस का, ये काय का लिख रहा है प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर किसी नंबर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो नंबर आया वो इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, ये जो नंबर लिखा है वो इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो रहा है, इधर कोई नंबर लिखा उससे ये कैंसिल हो, तो इससे पहले वाले से कैंसिल ये हो जाएगा, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, कैंसिल कर दे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गए, बच क्या गया हमारे पास 1/1 माइनस के 1/100 ये बचा, ठीक है ना, एलसीएम कितना है 100, इधर क्या जाएगा 100 माइनस 1 कितना बच गया 99/100 ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, मुझे लगता है इतना तो समझ आ ही गया होगा, इधर से क्या हो जाए 1/1, इधर से क्या हो जाए ये माइनस का साइन माइनस 1/100 1/100, ठीक है ना, 100 एलसीएम आया हमारा, तो 100 माइनस 1 कितना है 99/100, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो रहा तरीका अपना, ठीक है, इसे इस तरीके से कर सकते हैं हम सॉल्व, ठीक है ना। दूसरा कि काटने का हमने जो देखा है हमने काटे ना, हम डायरेक्ट ही करते हैं, देखिए किस तरीके से, मुझे लगता है इतना समझ आ गया होगा, एक बार और करते हैं सवाल को, देखिए सवाल था हमारे पास 1 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस डैश 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 प्लस 99/100 ये सवाल था हमारे पास, ठीक है, क्या करना है हमें, देखिए शॉर्ट तरीका देख रहे हैं इसका, यहां से क्या ले लीजिए 1 1 1 ठीक है, वहां से ले लीजिए लास्ट वाला माइनस के 1/100 हमेशा यहां देखिए लग रहा है प्लस आ रहा है, यहां माइनस लगा रहा है, ठीक है ना, ये हो गया इनटू ब्रैकेट बंद कर दिया हमने इसमें, इनटू करना है इसमें 1/1 अंतर डिफरेंस, ठीक है ना, देखिए जाना पहले 100 एलसीएम आया तो यहां कितना हो गया 100 माइनस 1 × 1 अंदर दिख, अंदर इन दोनों का देखना है, जो अंदर है वहां यहां देखना है, यहां अंदर कितना दो में से एक का कितना है, अंदर मतलब दोनों को घटाना 1/1 तो यहां 99/100 × 1/1 कितना आ जाएगा 99/100, ठीक है ना। अब आपको ये लग रहा है सर ये क्या लग रहा है, आंसर तो वैसे ही आ रहा है, आने वाले सवालों में पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखना कितना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट मेथड में, लॉन्ग का तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा सवाल होगा टाइम ज्यादा लगेगा, शॉर्ट सीखना है तो आप इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है, पेपर वाला कहाँ आपसे गलती करवाएगा, कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं उसे देखना अगले सवाल में आपसे क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको, हमेशा पहले वाला नंबर लेना ये पहले वाला, हमेशा लास्ट वाला नंबर लेना है तो ये लास्ट वाला नंबर ले, इनटू का 1/1 अंतर, ये अंतर कहाँ से मिलेगा आपको, अंतर मिलेगा इन दोनों नंबरों का अंतर, यहाँ देखिए सब में एक एक अंतर आ रहा, तो अंतर की वैल्यू ए रख दी हमने, ठीक है ना भाई, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, कर दिया हमने, तो ये सवाल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, देखिए एक सवाल और देखते हैं 1 1 × 3 प्लस 1 3 × 5 प्लस या 5 × 7 प्लस डैश 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 प्लस 1/49 × 15 बराबर में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या बताया, देखिए सबसे पहले पहले वाला नंबर ये पहले वाला, फिर आएगा हमेशा माइनस, फिर लास्ट वाला 1/15, यहां तक क्लियर हो गया,
इनटू बताया मैंने एक बटे अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। तो देखिए इससे सॉल्व करें तो आएगा 51, यहां हो जाएगा एलसीएम दोनों कितना है 51, तो यहां जाएगा 51 माइनस के 1, क्लियर है। इन ए अंतर कहां से मिलता है, अंतर मिलता है इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है कितना, दो, तीन में से एक है दो, तो यहां देखेंगे दो। देखिए पिछले सवाल में अगर ये नहीं लिखते हम, ये नहीं लिखते तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 51 में से एक है कितना है 50/51, इतना ही आंसर हो जाता था। इसलिए इसका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर तो इससे सही आना है। ये आया 25, हो जाएगा कितना 25/51, ये हमारा सही आंसर। देखिए अगर इसको नहीं लिखते तो आंसर कितना होता था 50/51, जो गलत हो जाता हमारा। इसलिए इसका पिछले क्वेश्चन में इसलिए हमें समझ में नहीं आया था, इसकी वैल्यू से अंतर इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि यहाँ अंतर एक आ रहा था, मान लिया यहाँ दो हो जाता तो चीजें बदल जाती, तीन हो जाता तो 99 कट जाते ना 33 बार। इसलिए ट्रिक में इसको ध्यान रखना है, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। क्या कि हमने यहाँ से केवल पहले बार नंबर लिए, यहाँ से केवल लास्ट वाला नंबर, बीच में हमेशा क्या आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा। सॉल्व किया, अंतर इनका देखना है, यहाँ भी देखिए दो का अंतर है, यहाँ भी देखिए दो का अंतर है, यहाँ भी देखिए कितने का अंतर है, दो का अंतर है, तो अंतर की जगह दो लिख लिया, बाकी का सॉल्व कर लिया। और सवाल देखते हैं हम, देखिए एक और लिखते हैं हम, 1 × 2 × 5 ठीक है, प्लस 1 × 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 ठीक है, प्लस 1/23 × 26 बराबर क्वेश्चन। तो ये सवाल है, करना कोई मेथड है, इस समय बीच में प्लस आ रहा है तो आप जानते हैं ट्रिक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहां से केवल ये वाला नंबर ले लें 1/2, यहां से केवल लास्ट वाला नंबर ले लेंगे कितना 1/36, बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इनटू क्या लिखते 1/अंतर, मतलब डी। अंतर कहां से निकालते हैं, इनका कितना अंतर है, देखिए यह अंतर है 3, सब में 3-3 का ही अंतर आ रहा है। तो देखिए यहां एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 26, 2 से 26 में भागेंगे 13, तो 13 के इनटू यहां हो जाएगा, यहां 1 का इनटू 13 माइनस के 1 इनटू अंतर कितना है हमारा 3, तो ये 3 लिख दिया। 13 में से 1 का कितना होता है 12, 12/26 इनटू 1/3, 3 × 3 = 12, 2×2 = 4, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 13 बार, तो आंसर आया 2/13, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसे नहीं लिखते तो आंसर कितना हो जाता 12/36, ठीक है, ये आंसर लिख दे 4/13। आप विश्वास करिए इस क्वेश्चन पेपर में आया है SSC में, इसमें पहला ऑप्शन था इसमें 4/13, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा गलती, शॉर्ट ट्रिक तो जाना है तो अधूरी शॉर्ट ट्रिक में क्या आंसर जाएगा 4/13, और लगा के पहले ही ऑप्शन मिला लगा दिया, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखना है, ये हमें लगाना ही लगाना है साथ, नहीं तो फिर आप लॉन्ग मेथड सीखिए उससे कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, तब जाके आपको पल्ले पड़ेगा। 1/12 + 1/20 + 1/26 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ये तो देखिए सारे क्वेश्चन, यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन जितने अभी अभी किए आज की क्लास में हमने, सब में नीचे में इनटू में ही लिखा है, देखिए जितने भी क्वेश्चन किए इनटू में ही लिखा है सब, ठीक है ना, सब इनटू में ही है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो फल के
ये सारे सारे सवाल नीचे देखिए, इंटू में इंटू में इंटू में इंटू में, ये इंटू में नहीं, ठीक है ना, सॉल्व करना। कोई एलसीएम तो देगा नहीं इसका, केस हम तो सारे एलसीएम ले लेंगे कर लेंगे, तो एलसीएम देगा तो आधा घंटे सवाल ही दे देगा वो, ठीक है, या छोड़ के जाएगा। क्या तरीका होता है करने का, देखिए सवाल के पीछे कोई ना कोई ट्रिक छिपी होती है, कैसे करेंगे बस ध्यान से देखिए। जब आपको ऐसे लंबे सवाल जाए तो समझ जाइए कोई ना कोई ट्रिक छिपी हुई है, वो ट्रिक एक ही होती है, सब सवालों में एक ही ट्रिक लगा रहे हैं। ये जो नीचे का नंबर लिखा रहता है उसमें समझ जाइए इनमें ही कोई ना कोई ट्रिक छुपी हुई है। नीचे के नंबर हम देखिए 12 से हम क्या बना सकते हैं, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 6 दो छक्के 12, क्योंकि इसे इंटू में चेंज करना है, या हम इसे क्या कर सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसे 12 एक 12 ये कर सकते हैं हम, आगे कर दो या पीछे कर दो, आंसर तो एक ही है, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 2, बात तो एक ही है। ऐसे ये 20 लिखा है, इसे क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसे कर सकते हैं हम 2 इंटू 10, ठीक है, 2 × 20 और 10 × 20 बात दे दी है, ठीक है ना। इसे कर सकते हैं 4 × 5 या 5 × 4, ठीक है ना। तो इसे हम इस तरीके से बदल सकते हैं, 20 एकम 20, ठीक है। अब आपको चुनना क्या है कि जो यहां खत्म हो रहा होगा वहीं से वो चालू हो रहा हो, यही हम देखिएगा, जिस पे खत्म उससे ही चालू, जिससे खत्म उस पे ही चालू, जिस पे कदम उससे ही चालू, जिस पे कदम उस पे ही चालू, मतलब लगातार नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे, क्योंकि इनको कोई सिक्वेंस नहीं है, इनको भी नहीं, इनको यहाँ देखिए 3 × 4 4 × 5, तो इस तरीके से लेना है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या ले सकते हैं 12 को ले सकते हैं 3 × 4, कोई दिक्कत, 3 × 4 टीचों को 12, ये 4 में खत्म तो ये कहां से चालू होगा, 4 से चालू, 4 × 5 4 × 20, 5 में खत्म 5 से चालू, 5 × 6 ऐसे, ये 6 × 7 ये कितना जाएगा 7 × 8 ये 8 × 9 और ये 9 × 10, ठीक है ना, पूरी सीक्वेंस समझ आया, क्लियर है। अब आपको तो यहाँ से दो तरीके लगा सकते हैं, तो ट्रिक लगा दीजिए या लॉन्ग मेथड से करना है, लॉन्ग मेथड से कर लीजिए। हमने तो शॉर्ट ट्रिक सीखी है, क्या होता है मैंने 1/3 इधर से उधर से लास्ट वाला नंबर, बीच में भी समाय न सका, 1/10 इंटू 1/ अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ का लेंगे, इन दोनों 3 और 4 का कितना आएगा 1, ठीक है, यहाँ सब में देखिए एक एक ही अंतर आ रहा है सब में, तो यहाँ एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 3 इंटू अंतर कितना है 1/1, 10 × 3 = 7/30, यही हमारा आंसर है 7/30, ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया। तो समझ में आएगा, देखिए इतने बड़े सवाल को तो कर तो है नहीं सकते, ऊपर तो एक लिखा है तो उससे तो कुछ होगा नहीं, मतलब नीचे कहीं ना कहीं ट्रिक लगेगी, ठीक है ना। इतना तो क्वेश्चन ने बता ही दिया आपको, अब लगाना कैसे है, कैसे पहचाने, तो वो आपको मैंने बताया कि ये नीचे के जो नंबर लिख रहे थे इनमें कोई ना कोई एक सिक्वेंस, कोई ना कोई एक सीरीज, कोई एक श्रृंखला छुपी हुई होती है, इसे पहचान। 12 कौन से टेबल में आता है, 3 × 3 × 4, ये 4 पे खत्म हो रहा है तो अगला 4 से चालू होगा, ठीक है ना। एक कोई पहचान लिया पूरा अपने आप पहचाना होगा, देखिए इससे पहचान लिया 3 × 4 तो निश्चित है कि अगला 4 से चालू होगा, तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 का इंटू 10, ये 5 में खत्म आता है अगला 5 से ही चालू, ठीक है ना। और पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे पहचान लें और लास्ट वाले को ही लिख लें, तो आपको बताया कि इधर से केवल ये वाला नंबर लेना, इधर से केवल ये वाला नंबर लेना है, 1/3 − 1/10 1/ अंतर इन दोनों का चलता है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, सवाल करते हैं अपन, थोड़ा सा अलग सवाल लिखते हैं, 10² − 1 + 12² − 1 + 14² − 1 +
एस बी स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा सवाल है। अब पिछले सवाल किया, सबसे पहले सवाल किया आज के तो वो हिंदू से थे, फिर एक सिंगल नंबर वाला मिला, अब ये बड़ा अजीब मिल गया सवाल। अब ऊपर से मैं कुछ हो नहीं सकता, ऊपर तो एक एक ही लिखा है, इतना लंबा जा रहा है 14 के बाद, यहाँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इतना लंबा सॉल्व करेंगे नहीं, तो तरीका हमारे पास आपको भी समझ में आ गया होगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से एकदम 12 का स्क्वायर करना 144 माइनस 1 तो 143 प्लस, ऐसे 14 का स्क्वायर करें 196 तो ये हो जाएंगे 193, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा आप जानते हैं, 400, 400 में से 1 है तो 399। केवल इसको ही पहचान लें, ठीक है, देखिए 9 × 11, 11 9 × 11, ठीक है ना, प्लस अब आप जितना तो पता ही है कि 9 से चालू है 11 पे खत्म है, तो अगला 11 से चालू होगा और समझ में आए काय का इंटू करेंगे तो आप जानते हैं 9 और 11 में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो 2 से गैप 13, 11 3 33, 11 का 11 समझ में आई है, प्लस 13 पे खत्म, 13 से चल एंड 2 का क्या है, पहला 2 क्या है 14, 15, ठीक है ना, प्लस डैश डैश डैश। अब यहां आपको लाना है कि क्या है 9 11 13, तो अगला हम जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा 19, ठीक है ना, इनटू 21, 2 का क्या चल रहा है। अब आपको दिक्कत आ रही है सर लास्ट वाला कैसे पहचानेंगे, तो अभी देखिए किस तरीके से वो करेंगे इसे। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, यहां 10 था तो यह 9 आया, यहां 12 था यह 11 आया, यह 14 था यह 13 आया, तो यह 20 था तो 19 आया, ठीक है ना, तो इस तरीके से डायरेक्ट समझ सकते हैं, एक और तरीके समझेंगे उसे, ठीक है ना। पहले तो आराम से इसको कर लेते हैं, देखिए मुझे लगता है आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो आइए 1/9 माइनस 1/21 1/2, ठीक है ना, यहां 21 और 9 एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कितना 63 एलसीएम हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 7 और 21 दिया इंटू अंतर 1, यहाँ अंतर देख कितना है, इनका अंतर है यहाँ पर 2, काय का इंटू करेंगे 2 का, 7 में इसकी दिया 4/63 इंटू 1/2, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया 2/63। समझ में आया क्या, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 99, इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लिया, 1 9 इंटू 11 इंटू सॉरी 1 11 11 पे खत्म, 11 से ही चालू, 13 पे खत्म, 13 से ही चालू, और लास्ट में क्या लिखेंगे, तो आपके लिए मैंने पहचान बताई, यहाँ 10 है तो 9 है, 12 है तो 11 है, 14 है तो 13 है, तो 20 है तो 19 है, और अगला 2-2 का गैप चल रहा था 21 लिख दिया हमने, बस फिर हमारी ट्रिक 1/9 पहला और आखिरी का 1/21 बीच में हमेशा माइनस है, 1/अंतर, अंतर कितने का है 2 का, तो 7 − 3 = 63, 7 − 3 = 63 सॉल्व कर लिया, 2/63 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए इसका एक और करने का तरीका है, उससे और करते हैं, ये तो आ गया वो आपको समझ में, ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, दोबारा से लिखते हैं 10² - 1 प्लस 12² - 1 प्लस 13² - 1 सॉरी 14² - 1 प्लस
बीस स्क्वायर माइनस दस बारह चौदह, ठीक है। देखिए इधर कर रहा हूँ, अलग से आप ध्यान से देखना, ये दिया है टेन स्क्वायर माइनस वन, हम इसे वन का स्क्वायर भी लगा दें तो कोई दिक्कत है भाई, वन का स्क्वायर भी वन और वन लग दो कोई दिक्कत नहीं। और आप देख रहे होंगे ये जो बना है ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, टेन माइनस ए और टेन प्लस ए, यही होगा दस माइनस एक और दस प्लस एक, इस फॉर्मूले से क्या आएगा इसका मतलब, दस में से एक गए नौ और दस में से एक जोड़ दिए तो दस और एक नौ इंटू ग्यारह, यही हमने देखिए बनाया नौ इंटू ग्यारह, इस टाइप को डायरेक्ट होती है नौ इंटू ग्यारह, इससे हमने सीखी सब में देखो बन है तो सब में स्क्वायर लग सकता है, ठीक है ना। तो इससे हम देखिए करते हैं, अब आपकी सारी टेंशन खत्म, दस में से एक गए नौ, दस में एक जोड़ के ग्यारह प्लस बारह में से एक गए ग्यारह, बारह में एक जोड़ के तेरह प्लस चौदह में से एक गए तेरह, चौदह में एक जोड़ के पंद्रह प्लस बीस में से एक गए उन्नीस और बीस में एक जोड़ के इक्कीस, मन की पूरी सी पहले वाला नंबर माइनस लास्ट वाला इंटू ए बटे डी, डी मतलब डिफरेंस, इधर आया तिरसठ एलसीएम तो यहाँ हो गया कितना सात, यहाँ हो गया तीन, इंटू डिफरेंस कितने का चल रहा है दो का, तो इंटू दो चार बटे तिरसठ इंटू एक बटे दो से दो आ गए दो बटे तिरसठ आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए मैंने बीच का पहचान के लिए, देखिए इसे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लिया दिमाग हमारा चल नहीं पा रहा, पेपर में एकदम सवाल आता है तो समझ में नहीं आता तो इतना तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके बाद सॉल्व करने का तरीका होता है निन्यानवे थोड़ा नौ इंटू ग्यारह, इसको तोड़ दिया ग्यारह इंटू तेरह, फिर तोड़ दिया तेरह इंटू पंद्रह, लास्ट वाला उन्नीस इंटू इक्कीस, कैसे पहचाना है इसको ना दस, तो ऐसे पहचान के हमने कर लिया, बाकी कई आप जानते जानते हैं, अगर वहाँ समझ में आ जाए सवाल तुरंत तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका अपना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ए माइनस दस में से एक है नौ, दस और एक ग्यारह, तो ये वाला हमारा तरीका चल रहा है इसका, ये सवाल भी होगा। देखिए और सवाल करते हैं, फाइव स्क्वायर माइनस वन प्लस सेवन स्क्वायर माइनस वन प्लस नाइन स्क्वायर माइनस वन प्लस प्लस वन अपॉन नाइनटीन का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। मुझे लगता है ये करा लिखे तो है नहीं, तो अपन कर ही लेंगे। देखिए वन अपॉन पांच में से वन का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए क्या लग रहा है, इधर फॉर्मूला हमारा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या आ रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। देखिए ए माइनस पांच में से गए चार इंटू या इंटू है तो इंटू ए प्लस पांच और एक छ प्लस सात में से गए छ सात और एक आठ प्लस लास्ट वाला ही लिख देते हैं, उन्नीस में से एक है अठारह और उन्नीस और एक बीस, ये हमारा यहाँ तक कर लिया, ठीक है ना। पहले वाला माइनस आखिरी वाला समझ में आ गया, पहला लास्ट इंटू एक बटे अंतर चार और छह का अंतर कितना है भैया, अंतर है कितना दो, ठीक है ना। तो यह एलसीएम आएगा बीस, यह आएगा पांच माइनस एक इंटू एक बटे दो, बीस और चार का एलसीएम बीस,
चार से भाग दिया, इसमें पांच माइनस एक कितना है, चार बटे बीस इंटू एक बटे दो, चार एकम चार, चार पंचे बीस, एक बटे दस, ये हमारा आंसर एक बटे दस। सेम हो गए दोनों सवाल, मुझे लगता है दोनों दोनों समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। और करते हैं हम सवाल, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 5, दे 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 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 100 बराबर में क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा सवाल है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया, देखिए 2 एकम 2 में से गए 1, पूरे में से आधा वो तो आधा, ठीक है ना, इंटू तीन एकम तीन, तीन में से गए दो, दो बटे तीन, फिर इंटू चार एकम चार, चार में से गए तीन, तीन बटे चार, इंटू पांच एकम पांच, पांच में से गए चार, चार बटे पांच, इंटू डैश डैश डैश, सौ एकम सौ, सौ में से गए निन्यानवे बटे सौ, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सवाल कुछ समझ में आ रहा होगा, इस दो से ये दो कैंसिल, इस तीन से ये तीन कैंसिल, इस चार से ये वाला चार, यहाँ कोई पांच आएगा उससे पांच कैंसिल हो जाएगा, ऐसी निन्यानवे से यहाँ निन्यानवे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दो था तो उसके पहले दो, यहाँ तीन था तो उसके पहले तीन है, यहाँ चार है तो उसके पहले चार है, तो यहाँ निन्यानवे तो उसके पहले भी, यहाँ निन्यानवे होगा तो सब कट गया, इधर क्या बच गया ऊपर वन, उधर क्या बच गया लास्ट में बटे में सौ, आंसर आ गया, ठीक है ना, एक बटे सौ। ये तो बहुत ही सवाल था, सॉल्व किया ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, तो कर ही लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सबको काट दिया, यहाँ दो था तो इसके पहले दो मिला, यहाँ तीन था तो इसके पहले तीन मिला, यहाँ चार था तो इसके पहले चार मिला, तो यहाँ निन्यानवे तो इसके पहले निन्यानवे मिल जाएगा, ऊपर वाली लाइन में क्या बचा अकेला एक, नीचे वाली लाइन में क्या अकेला बचा सौ, तो आंसर आ गया एक बटे सौ, ठीक है ना। ये तो आपका एमपी प्लस में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, इसको देख लेना आप। और देखिए ऐसे ही करते हैं, मान लीजिए सवाल हमारे पास ऐसा हो, वन प्लस वन अपॉन टू, फिर वन प्लस वन अपॉन थ्री, वन प्लस वन अपॉन फोर, वन प्लस वन अपॉन फाइव, वन प्लस वन अपॉन हंड्रेड, ये सवाल है हमारे पास, पिछले में माइनस था, इसमें इस बार प्लस है, करेंगे दो एकम दो और एक तीन, तीन बटे दो इंटू तीन एकम तीन और एक चार, चार बटे तीन, चार एकम चार पांच बटे चार, पांच एकम पांच और एक छह बटे पांच, प्लस प्लस सौ एकम सौ और एक सौ एक बटे सौ, कुछ ना कुछ इसमें भी कट रहा होगा, देखते हैं। इस तीन से ये तीन कैंसिल, ये जो यहाँ नंबर लिखा है वो पहले ऊपर मिल जाता है, ऐसे ये वाला चार, इस चार से कैंसिल, ये पांच, इस पांच से कैंसिल, यहाँ कोई छह होगा उससे ये छह कैंसिल हो जाए, ऐसे ये सौ है तो सौ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला नंबर यहाँ ऊपर कैंसिल हो रहा है, ये चार से यहाँ चार कैंसिल, पांच से पांच कैंसिल, छह से छह कैंसिल, सौ से सौ कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर बच गया अपना एक सौ एक, नीचे बच गया दो, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ही सारा मुझे समझ में नहीं है, आप देखिए इतने कोई सॉल्व किया आपने, तीन से तीन कैंसिल, इसका मतलब ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचे दो, तो ले तो ऊपर से ऊपर पूरे काम करो, देखिए दोबारा इसको सॉल्व किया, तीन से तीन कैंसिल, इसे मान लो चार कैंसिल नहीं किया, कुछ कैंसिल नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ ऐसा कैसा लग रहा है, दो एकम दो एक तीन, तीन बटे दो, तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन, यहाँ हो जाएगा कितना पाँच बटे चार, यहाँ हो जाएगा कितना छः बटे पाँच, एक सौ एक बटे सौ, ठीक है ना। आप बस इधर ही देख लीजिए, वो पूरे करने की जरूरत नहीं है, ये तीन से ये तीन कैंसिल, ठीक है ना। इस वाली लाइन में क्या बच गया नीचे दो, बस ऊपर से देखो क्या है, यहाँ क्या बचा नीचे अकेला दो, तो नीचे वाला तो नंबर भी लिखा है, ऊपर का रहेगा तो ऊपर का आखिरी से पहला नहीं, पहले सी स्टेप से
आखिरी आखिरी स्टेप ऐसे इसमें देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन इसे छोड़ दीजिए, यहाँ दो से दो कैंसिल हो गए, एक बच गया पहली लाइन से पहला नंबर मिल गया आखिरी वाला नंबर, ये अगर ऊपर का मिल गया तो नीचे का आखिरी से लिख दो, नीचे वाला मिल गया तो वैसे आखिरी लिख दो, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गए हमारा, देखिए कुछ और सवाल करते हैं। तो ये तो फ्रैक्शन कुछ सवाल है, अब मैंने आपको जैसे फ्रैक्शन बताया था तीन प्रकार का होता है, एक साधारण भिन्न बताया था, एक दशमलव भिन्न बताया था और एक सतत भिन्न बताया था, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यू फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन के सवाल बता दिए मैंने, अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। पिछले चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा एक चैप्टर ही किया था हमने नंबर सिस्टम में डेसिमल का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या सतत भिन्न, सतत भिन्न, सतत भिन्न, इसका एक बार नाम है वितत भिन्न, ठीक है, इसका एक और नाम है लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न, ठीक है ना, ये इसके नाम है, ठीक है ना, सतत, ठीक है ना। एक और नाम है इसमें कंटिन्यू फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो इसके नाम है सतत वितत लंगड़ी भिन्न, ठीक है ना। किस तरीके से सवाल आते हैं इसे देखिए, ये तो आप सवाल लिखते या समझ जाएंगे पेपर में कितनी बार आए हैं सवाल, ये सवाल आता है, ठीक है ना, ये सवाल लंगड़ा सवाल कहलाता है, सतत कहते लगातार सीधी चलती जा रही, कहां खत्म की पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा इसलिए लंगड़े सवाल कहलाता है, वितत मतलब भी लगातार होता है, कंटिन्यू चल ही रहा है इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से ये सवाल आते हैं, करते कहां से है सवाल, सवाल होता है हमारा ये नीचे से सॉल्व, कहां सॉल्व होता है नीचे से, ठीक है, यहां से लास्ट से केवल इन तीन को लेकर चलते हैं, केवल इन तीन को लेकर, ठीक है ना, हमेशा ऐसी आएंगे, ये वाला क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से ही लेकर चलेंगे इनको सॉल्व करें, दो एकम दो और एक तीन, तो इसका आया कितना तीन बटे दो, एक बार और समझिए, इन दोनों का इनटू कर जैसे ये का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, आप जानते हैं कुछ नहीं होगा तो 1 आएगा, 2 और 1 कैंसिल कितना आएगा 2, यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना आया 3 बटे 2, अब इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, 2 एकम 2 और 1 3 तो 3 बटे 2, इतना समझ में आया। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1 और यहां मेन बटे का साइन लग रहा हो और यहां लग रहा है 3 बटे, तो इसको हम नीचे वाला नंबर प्लस कर लिखा हो जाता है 2 बटे 3, तो कितना है 2 बटे 3, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहां पे, ये यहां पे हो जाएगा, अगले स्टेप पे लिख देता हूं मैं, वन प्लस वन वन प्लस, ये देखिए यहां पे आ गया 3 बटे 2, इसके बाद ऊपर क्या लिखा है 1, तो हमारा आया यहां पे इसको लिख देता हूं 3 बटे 2 सॉल्व करके, क्लियर, इसको सॉल्व करना है 3 बटे 2, ठीक है ना, एक पूरा लंबा सवाल करवा देता हूं फिर हम डायरेक्ट करेंगे सवाल को, तो 1 प्लस 1 पलट के कितना हो जाएगा 2 बटे 3, देखिए कितना आ गया 2 बटे 2। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे हम इतने को 3 एकम 3 और 2 5, तो इतना आ गया कितना 5 बटे 3, ठीक है ना, इन तीन को सॉल्व, 3 एकम 3 और 2 5, 5 बटे 3, इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 3, ये लिखा हो गया जैसे ये था वैसे ही हो गया, फिर क्या लिखें 1 प्लस ऊपर चला जाएगा 3 बटे 5, या फिर इन तीन को सॉल्व कर लेंगे 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है ना। आप कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आपका है मध्य प्रदेश के या आपके लिए जो सेंटर है, उसमें ये वाले सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। करने का तरीका इनका यही होता है, नीचे सॉल्व होता है, तीन को लेके करते हैं, ठीक है, ऐसे तीन को लेकर, ठीक है ना, दो एकम दो एक तीन बटे दो, यहाँ एक लगाए ऊपर जाएगा तो दो बटे तीन हो जाएगा, मतलब इसका इंटू वन में इंटू हो जाता है, ये किया दो बटे तीन, ऐसे ही सॉल्व किया पूरा, ठीक है ना।
सॉल्व करने के लाने कोई ट्रिक तो है नहीं है इसकी, बस ये है कि हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। देखिए 3/2 आया, अब माइंड में सवाल को करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ अलग से सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए सवाल था हमारे पास 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 2, ये हमारे पास सवाल, मैंने बताया इसको सॉल्व किया, तो ये आया हमारे पास कितना 3/2, ये आया, ये 1 के नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2/3, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। या आप इधर लिख लीजिए इसको, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 2/3, ये प्लस का साइन। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3 × 1 = 3 और 2 = 5/3, इसके बटे में ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5, तो यहाँ क्या कितना 1 + 3/5, तो ये 1/5, ठीक है। माइंड में करने के लिए सवाल है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं सवाल, ठीक है ना। और भी सवाल करते हैं, ऐसे मान लीजिए 2 + 1/1 + 1/1 + 1/1, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, इसको सॉल्व देखिए कहां से करेंगे, इन तीन में 4 × 4 और 1 = 5, तो ये आ गया 5/4, ठीक है ना। ये 5/4 बन गया, अपॉन में ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी हो जाएगी इसकी जगह पे, हो जाएगी कितनी 4/5, क्लियर है। 5/4 ऊपर जाएंगे तो कितने हो गए 4/5, अब 1 + 4/5, तरीका वही जैसे इसको किया था 4 × 4 और 1 = 5, 5 × 5 और 4 = 9, 5 × 5 = 9, तो ये हो गया पूरा का पूरा कितना 9/5। फिर ये ऊपर जाएगा क्योंकि बन गया अपॉन में, तो इसकी जगह पे क्या लिखा हो जाएगा, यह हो जाएगा 5/9, डायरेक्ट 9 × 2 = 18, 18 + 5 = 23, तो आंसर आ जाएगा 23/9। तो ये तो रहा इसका शॉर्ट करने का तरीका, अब इसे हम पूरा लॉन्ग मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। पहले आप सब सवालों को लॉन्ग मेथड से ही कर दीजिए, 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसको करें, 4 × 4 कितना है 5/4, लिखते हैं इसे 2 + पूरा का पूरा सवाल लिखना पड़ेगा हमें यहाँ से, ये आ गया 5/4, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 4/5। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 4, 9/5 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 + 1, 1 + 1, ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 5/9, 5/9, ठीक है ना। 2 + इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 9, 9 + 5 = 14, 14/9, देखिए 9 × 9 और 5 = 14/9, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 + 9/14, 14 × 28 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37/14, आंसर आ गया। सबके करने का एक ही तरीका है 37/14, उस वाला जो सवाल अभी पिछला कराया था उसमें से एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सवाल हो गया, समझ में आया नहीं, इस तरीके से करना है। पिछला सवाल ये था उसमें ये वाली स्टेप बढ़ा दिए, पिछले वाले का आंसर कुछ और आ रहा था, यहाँ से 9/5 × 9 = 18, 5 = 23 कर दिए थे हमने, ठीक है ना। इसको और सवाल बढ़ गया, ये पूरा पूरा सवाल को कितना ही लंबा लेते चले जाओ, जैसे सवाल आए वैसे वैसे हम कटते जाएंगे। देखिए पिछला सवाल जो किया था तो उसका करते हैं, उसे देखिए 2 + 1 + 1 + 1 = 4, ठीक है ना। देखिए इसको किया था हमने, सवाल दिया था मैंने आपको,
इसको सॉल्व करेंगे कितना, चार एकम चार और एक पांच, पांच बटे चार, क्या लिखेंगे, टू प्लस वन प्लस वन फोर अपॉन फाइव, ये आ गया सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पांच एकम पांच और एक, पांच और चार नौ, नौ बटे पांच, टू प्लस ये ऊपर जाएंगे तो कितना जाएगा, पांच बटे नौ हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम, नौ दूनी अठारह पांच तेईस, तेईस बटे नौ, ये आंसर आ जाएगा। सबका एक कितना ही सवाल मिलते करने का तरीका सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। आप इसको देखो कि सवाल क्या, आप तरीका देखिए, तरीका सब में एक ही लग रहा है, पूरा का पूरा एक ही तरीके से हम सॉल्व करना है। एक सवाल और कर रहा हूं, और देखिए आप, थ्री माइनस वन, वन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन बाय टू, ठीक है, ये सवाल है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, चार पूरे का पूरा सवाल लिख लेते हैं, मैंने यहां तक पूरा लिख लिया, इन तीन को छोड़कर ऐसा है, अब चार दिया बारह और एक तेरह, तो तेरह बटे चार ये आ गया, क्या जाएगा, चार ऊपर पहुंच जाएगा, थ्री माइनस वन, वन प्लस वन, टू प्लस चार ऊपर चला जाएगा, चार बटे तेरह। अब इन तीनों को फिर सॉल्व करेंगे आप, तेरह दूनी छब्बीस और चार तीस, तीस बटे तेरह, तो थ्री माइनस वन, वन प्लस क्या जाएगा, तेरह ऊपर पहुंच जाएगा, तो तेरह बटे तीस, क्लियर है, ये सेम कंडीशन में आ गया, ऊपर पहुंच गया। इसे फिर सॉल्व करेंगे, तीन माइनस एक, तीस का एक मिनट करेंगे, तीस, तीस और तेरह तैतालीस, तैतालीस बटे तीस, देखिए आप इससे पहले स्टेप हुई की हुई बन जाएगी हमारी, थ्री माइनस तीस ऊपर तैतालीस नीचे, तैतालीस का तीन मिनट करेंगे हम, तो तीन दिया नौ और तीन चौको बारह, ठीक है ना, एक सौ उनतीस हो गए, एक सौ उनतीस में से तीस माइनस यहाँ जाएगी वन ट्वेंटी नाइन माइनस की थर्टी, अब वन में कितना जाएगा, फोर्टी थ्री, इनका इंटू करेंगे तो तीन दिया ना तीन चौको बारह, माइनस करेंगे नौ, ठीक है ना, निन्यानवे बटे तेरह, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो यही आंसर है, निन्यानवे बटे तैतालीस, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर, देखिए आंसर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्या आंसर क्या आया, सही आया गलत आया जो भी है, तरीका देखिए, प्रत्येक सवाल में हमने एक ही तरीका लगाया नीचे सॉल्व करने का, चार दिया बार और एक तेरह, ऊपर पहुंच गया चार बटे तेरह, तेरह दिन छब्बीस, छब्बीस और चार कितने तीस, तो तीस बटे तेरह, तेरह फिर ऊपर पहुंच गया तो तेरह बटे तीस हो गए, तीस एकम तीस, तीस और तेरह तैतालीस बटे तीस हो गए, तीस फिर ऊपर पहुंच गया, एलसीएम आया तैतालीस, फोर्टी थ्री इंटू किया तीन दिया नौ तीन चौको बारह दिया गया, माइनस कर दिया इनको या माइनस कर तो माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो नौ बारह तीन गए तो नौ निन्यानवे तैतालीस आंसर, ठीक है ना, तो ये निन्यानवे बटे तैतालीस आंसर हो गया। इसी के सवाल कल और देखेंगे, थोड़े बहुत सवाल कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर क्या था हमारा, कौन सा फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न में हमने तीन नाम बताए थे मैंने, भिन्न के सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न या विदत भिन्न। कल अभी तक हमने सवाल देखे थे वो सारे के सारे सिंपल फ्रैक्शन के, डेसिमल चैप्टर हम पिछले कर चुके हैं, आखिरी में जो हमने किया वो क्या है, सतत भिन्न। इसी के सवाल हम कल और देखेंगे और कल ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।